Hello everyone, so let's start our next lecture. Yesterday we have discussed the sliding filament theory and mechanism of muscle contraction. So today we'll discuss about energy for muscle contraction. जैसा कि हम सब जानते हैं कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है एनर्जी को, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल सकती है. लाइक हम ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें भी एटीपी रिलीज होती है. जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी कि जिसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है उससे भी हमें एनर्जी मिलती है. सो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिससे मसल्स को एनर्जी मिलती है. सो व्हाट आर दी सोर्सेज इन दिस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट. ओके, सो एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इन वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स. फर्स्टली फॉस्फाजन. व्हाट आर फॉस्फाजन? दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड्स एनर्जी. ऐसे सब्सटेंसेस जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए या मसल रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम फॉस्फाजन कहते हैं. सो व्हाट आर फॉस्फाजन? फॉस्फाजन ऐसे सब्सटेंसेस जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम फॉस्फाजन कहते हैं. जो ये फॉस्फाजन है ये दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ एटीपी एंड द सेकेंड इज़ फॉस्फोक्रिएटिन और क्रिएटिन फॉस्फेट. एटीपी है जो अगर हम एटीपी का यूज़ करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो उसे भी एनर्जी मिलती है. एंड फॉस्फोक्रिएटिन या जिसे हम कह सकते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट, इससे भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए एनर्जी मिलती है. ओके, नाउ स्टेप्स टू रिलीज एनर्जी. ऐसे कौन से स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से जो एनर्जी है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिलीज होती है. सबसे पहले क्या होता है कि जो एटीपी है एटीपी का हाइड्रोलाइजेशन होता है. एटीपी इज़ हाइड्रोलाइज्ड. हाइड्रोलाइज्ड इट मीन्स कि वाटर ऐड होता है. यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो एटीपी है एटीपी वाटर के साथ मिलती है, ऐड होता है, वाटर ऐड होता है एंड थ्री सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, विच इज़ एडीपी, विच इज़ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट एंड एनर्जी. सो यहाँ पे जो ये एनर्जी रिलीज हुई इस एनर्जी का यूज़ करती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड रिलैक्सेशन के लिए. एंड किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए कैसे यूज़ करती है, हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एक्टिन के फिलामेंट्स होते हैं एंड मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के बीच में क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं जिसकी वजह से जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. सो इसी एनर्जी का यूज़ करते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए. सो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा कि एटीपी हाइड्रोलाइज होती है और किसके प्रेजेंस में होती है, एटीपीएज एंजाइम के प्रेजेंस में. एटीपीएज एंजाइम होता है जिसकी प्रेजेंस में एटीपी हाइड्रोलाइज होती है. एंड एटीपीएज एंजाइम आता कहाँ से है, हमने डिस्कस किया था कि मायोसिन के फिलामेंट के ऊपर इसका हेड होता है. सो मायोसिन का जो ये हेड होता है ये क्या करता है, एटीपीएज एंजाइम की तरह एक्ट करता है जिससे एटीपी हाइड्रोलाइज होती है एंड एनर्जी रिलीज होती है. अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड स्टेप इज़ क्रिएटिन फॉस्फेट. यानी कि अगर एटीपी के ही हाइड्रोलाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है अगर वो सफिशियंट ना हो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सो सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, किससे एनर्जी रिलीज होती है, क्रिएटिन फॉस्फेट होता है विच रिएक्ट्स विद एडीपी. फर्स्ट स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो ये एनर्जी यानी कि यहाँ पे जो एडीपी रिलीज हुई ये एडीपी क्या करती है, क्रिएटिन फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करती है. एंड क्या होता है कि जो ये क्रिएटिन फॉस्फेट है ये क्रिएटिन फॉस्फेट क्या करता है, अपने अंदर से फॉस्फेट प्रोवाइड करता है किसको, एडीपी को. अब देखिए ये है हमारी एडीपी. एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. जब इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ये फॉस्फेट मिल जाता है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी के अंदर. ठीक है, सो क्या हुआ, क्रिएटिन फॉस्फेट ने फॉस्फेरस दे दिया. सो क्रिएटिन फॉस्फेट में से क्या बचा, क्रिएटिन. एंड एडीपी जब इस फॉस्फेट के साथ, इसने फॉस्फेट दिया एंड एडीपी के साथ कंबाइन हुआ एंड एडीपी एंड फॉस्फेट जब मिला तो उसने क्या फॉर्मेशन की, एटीपी की फॉर्मेशन की. सो यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज हो गई. सो इस एनर्जी का जो मसल्स है वो यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड रिलैक्सेशन के लिए. अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे देखिए, इन स्टार्टिंग एनर्जी इज़ रिलीज्ड फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइज्ड. स्टार्टिंग में एटीपी की हाइड्रोलाइज से क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई एज इट इज़ लिमिटेड. अब जैसे कि जो एटीपी है एटीपी की जो फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर लिमिटेड होती है, सो इफ़ एटीपी एग्जॉस्टेड, अगर एटीपी खत्म हो जाए देन एटीपी इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम क्रिएटिन फॉस्फेट. सो सेकेंड स्टेप से एटीपी की फॉर्मेशन होगी. एंड इफ़ आफ्टर दिस एटीपी रिक्वायरमेंट इनक्रीज्ड, अगर इसके बाद भी जो एटीपी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी ना
करना हो. सो थर्ड स्टेप यूज़ होता है विच इज़ एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ये क्या होता है, जैसे हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं, सो उस टाइम क्या होता है कि हमारी ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है, वैसे नॉर्मली तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो एरोबिकली होता है. एरोबिकली का मीन्स क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, ब्रेक करता है. बट क्या होता है, अगर एनएरोबिक, अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें या हैवी एक्सरसाइज करें, सो उस टाइम क्या होगा, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो वो एनएरोबिकली होगा, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा. अगर हमने ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज की, सो उस टाइम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर होनी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी. सो उसमें क्या होगा कि जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या हुआ, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया. सो यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी है, इस एनर्जी का यूज करेंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंड रिलैक्स करने के लिए. अंडरस्टैंड? अब देखिए क्या होगा, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का यूज़ तो क्या कर लेंगे, मसल्स यूज़ कर लेंगे इस एनर्जी को. उसके बाद बात आई लैक्टिक एसिड की. जो लैक्टिक एसिड है, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सो उस टाइम तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो लाइक थाई रीजन है एंड सम अदर रीजन्स है, वो क्या, उसमें क्या हो जाता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है. यानी कि वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे पेनफुल कंडीशन देखने को मिलती है. सो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि ये हार्मफुल सब्सटेंस होता है. सो इसको क्या करना पड़ता है, दोबारा से ब्रेक डाउन करना पड़ता है. एंड इसको ब्रेक डाउन करने के लिए फिर दोबारा से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट भी होता है. बट जब हम नॉर्मल पोजिशन पर आ जाते हैं, यानी कि जब हम रेस्टिंग पोजिशन पर आ जाते हैं, सो उस टाइम क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो जाती है, जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी मात्रा में आ जाती है. सो उस टाइम ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, इस लैक्टिक एसिड का जो 4/5 पार्ट है, इसका जो 4/5 पार्ट है, यानी ज़्यादातर जो पार्ट है वो लीवर के अंदर चला जाता है. एंड लीवर के अंदर जाके क्या होता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड स्टोर हो जाता है. जब हम सपोज़ कीजिए हमने कोई कार्बोहाइड्रेट्स लिए, यानी ग्लूकोज लिया, एंड वो ग्लूकोज क्या होता है, उसमें से कुछ अमाउंट जो है ग्लूकोज की, वो हमारे सेल्स यूज़ कर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ओके. एंड कुछ जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा रह जाता है. सो वो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर. एंड जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाती है एंड हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ग्लूकोज के लिए, सो जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर. अंडरस्टैंड? सो लैक्टिक एसिड क्या होगा, ये लिवर और वो जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लाइकोजन है यानी कि ग्लूकोज की जो स्टोर्ड फॉर्म है, वो स्टोर कहाँ पे होता है, वो स्टोर होता है लिवर के अंदर. जो लैक्टिक एसिड बना था उसका 4/5 पार्ट लिवर के अंदर जाता है, और वहाँ पे जाके वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ओके, एंड स्टोर हो जाता है. अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या होता है, 1/5 पार्ट रिमेनिंग है इसका. सो 1/5 पार्ट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. सो यहाँ पे होगा, क्या होगा, 1/5 पार्ट के साथ ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ये लैक्टिक एसिड था वो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या होगा, H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. और यही वो एनर्जी है जिसका जो मसल्स हैं वो यूज़ करेंगी कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड रिलैक्सेशन के लिए. अंडरस्टैंड? नाउ एनर्जी रिलीज्ड इन स्टेप 4 इज़ यूज्ड बाय क्रिएटिन एंड विद फॉस्फेट इट फॉर्म्स क्रिएटिन फॉस्फेट. यानी कि स्टेप 4 में यहाँ पर जो ये एनर्जी रिलीज हुई थी, ये वाली जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है इसका, ये यूज़ होगी. एंड सेकेंड स्टेप में यहाँ पर जो ये क्रिएटिन था ये, एंड और क्या होगा, फॉस्फेट, ये तीनों मिलके क्या कर देते हैं, क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्मेशन कर देते हैं. अंडरस्टैंड? एंड बाय यूजिंग दीज स्टेप्स ATP सप्लाई और एनर्जी इज कॉन्टिन्यूड इन मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि इन 4 स्टेप्स का या 5 स्टेप्स का यूज़ करके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है. स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट स्टेप से पूरी होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर ATP की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाए, सो क्या होगा, सेकेंड स्टेप यूज़ करेंगे. यदि फिर भी उसके बाद भी जो एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, सो थर्ड स्टेप का यूज़ होगा. अगर उसके बावजूद भी जो ATP की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो, सो 4th स्टेप का यूज़ होगा. अंडरस्टैंड?
नाउ वी डिस्कस अबाउट कोरी साइकिल. वट इज़ कोरी साइकिल? अब देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे ये क्या है, लैक्टिक एसिड है. ओके, यानी कि जब हम कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, सो उस टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे मसल्स के अंदर जो क्या होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है. इन मसल्स लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है. एंड जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि लैक्टिक एसिड जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद जैसे ही हम रेस्टिंग पोजिशन पर आए, तो उसका जो 4/5 पार्ट है वो क्या हो जाता है, लीवर के अंदर चला जाता है. तो लीवर के अंदर चला जाता है, वो लीवर के अंदर गया एंड लीवर के अंदर जाके वो क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर. तो ग्लाइकोजन होती क्या है, ग्लूकोज की जो स्टोर्ड फॉर्म होती है उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं. एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. यानी कि ग्लाइकोजन की जो फॉर्मेशन, जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन. सो जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ग्लाइकोज मतलब ग्लाइकोजन. सो ग्लाइकोजन की जो फॉर्मेशन होती है उसे हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं. अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या हो गया, अब हमें पता है कि जो ग्लाइकोजन है वो क्या है, ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है. यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक कर सकते हैं एंड उससे ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो यही होगा कि व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स देन ग्लाइकोजन ब्रेक्स. जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल गिरा, सो जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक हो जाएगी एंड वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज के अंदर. एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, यानी ग्लाइकोजन का टूटना. अंडरस्टैंड? सो अब हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे ब्लड के अंदर क्या हो गया, ग्लूकोज आ गया. अंडरस्टैंड? अब इस ग्लूकोज का हमारे ब्लड के अंदर जो ये ग्लूकोज आया है, इसका जो कुछ पार्ट है वो क्या करेंगे, सेल्स यूज़ करेंगी अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए. एंड ग्लूकोज का जो कुछ पार्ट है वो क्या होगा, फिर दोबारा से हमें क्या करना है, स्टोर करना है, क्योंकि वो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली सेल्स के द्वारा यूज़ नहीं किया. सो एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. सो ग्लाइकोजन क्या होती है, ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म होती है ना. सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस, अंडरस्टैंड? सो यानी कि ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को कहते हैं ना हम ग्लाइकोजेनेसिस. सो यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हुई एंड ये क्या हो जाएगी, स्टोर्ड इन मसल्स. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हुई थी, सो ये ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर हुई थी, लीवर के अंदर. एंड यहाँ पे जो ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हुई, ये कहाँ पे स्टोर हुई, मसल्स के अंदर. अब जैसे ही ये जो ग्लाइकोजन है वो मसल्स के अंदर क्या हुई, स्टोर हुई, सो उसके बाद क्या होगा, यदि हम कोई फिजिकल हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे या रनिंग करेंगे, सो उस टाइम क्या होगा, हमें ATP की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. एंड रनिंग, ज़्यादा रनिंग करने से, ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करने से, यदि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, यदि ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो फॉल कर जाए, यानी कि डिक्रीज़ हो जाए, तो एनरोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो ये ग्लाइकोजन है, जो ये ग्लाइकोजन है, ये क्या होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी स्टार्टिंग में किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर. एंड इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का टूटना, उसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं. सो यहाँ पे ग्लाइकोजन बना, मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर थी वो टूटी और किसके अंदर कन्वर्ट हुई, ग्लूकोज के अंदर. उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो गई, डिक्रीज होगी. सो ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज होने से ये जो ग्लूकोज है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारा लैक्टिक एसिड के अंदर. एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज टूटना. ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो हम कहते हैं ग्लाइकोजन के टूटने को, एंड ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं ग्लूकोज के टूटने को. सो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना, सो ग्लाइकोजन से यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना, यानी कि यहाँ पे ये टू स्टेप्स के अंदर हुई है. अंडरस्टैंड? कि फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड सेकंड स्टेप के अंदर ग्लाइकोलाइसिस. अब ये लैक्टिक एसिड बन गया, फिर दोबारा से वही सेम प्रोसीजर. अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या था, लैक्टिक एसिड था जो किसके अंदर बना था, मसल्स के अंदर बना था हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करने से. उसके बाद वो लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हुआ, कहाँ जाके, लीवर के अंदर जाके. जब वो लीवर के अंदर गया तो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया. उसके बाद जब हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल फॉल किया, सो हमने इस ग्लाइकोजन को यानी कि ग्लूकोज की जो स्टोर्ड फॉर्म होती है उसको यूज़ किया एंड उसे ग्लूकोज के अंदर क्या किया, ब्रेक डाउन किया. उसके बाद क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा
ग्लूकोज थी, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट किया एंड वो स्टोर हो गए. अंडरस्टैंड? सो दिस इज कोरिज साइकिल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेड मसल फाइबर्स एंड वाइट मसल फाइबर्स. रेड मसल फाइबर्स क्या होते हैं एंड वाइट मसल फाइबर्स क्या होते हैं. जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि जो रेड मसल फाइबर्स हैं वो रेड इन कलर होते हैं एंड जो वाइट मसल फाइबर्स हैं वो वाइट इन कलर होते हैं. बट इसका रीज़न क्या होता है एंड ये होते क्यों हैं, रेड मसल फाइबर रेड क्यों होते हैं एंड वाइट मसल फाइबर्स वाइट क्यों होते हैं. होता है क्या है कि रेड मसल फाइबर्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, विच इज़ मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो रेड मसल जिन फाइबर्स के अंदर मायोग्लोबिन की अमाउंट ज़्यादा होती है सो वो जो मायोग्लोबिन का कलर होता है रेड, सो वो जो फाइबर्स है वो रेड इन कलर हो जाते हैं. एंड वाइट मसल फाइबर्स के अंदर जो मायोग्लोबिन है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से वो जो मसल फाइबर्स को अपने रेड कलर नहीं दे पाते एंड जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं वो वाइट कलर होते हैं. एक डिफरेंस तो ये हो गया. उसके बाद क्या होता है, दीज आर थिन स्लो एंड टोनिक फाइबर्स. जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं एंड जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं एक डिफरेंस होता है उनकी स्पीड के बेसिस पे. यानी कि जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल स्लो स्लो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं एंड जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं वो फास्ट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं. मतलब कि रेड मसल फाइबर्स स्लो रिलैक्स करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बट लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे एंड जो वाइट मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो क्या करेंगे, बिल्कुल फास्ट फास्ट करेंगे बट वो क्या होगा, बिल्कुल ही कम टाइम के लिए रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे सपोज़ कीजिए कि जो जब हम सिटिंग पोजिशन पर होते हैं सो उस टाइम क्या होता है, हमारी बैक की जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन में होती हैं. सो उन मसल्स के अंदर क्या होते हैं, रेड मसल फाइबर्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो स्लो होती है बट क्या होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है. अंडरस्टैंड? लॉन्ग टाइम के लिए होता है ना, हम जितनी देर सिटिंग पोजीशन पे रहते हैं सो हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में रहती हैं. सो रेड मसल फाइबर्स क्या होते हैं, स्लो होते हैं बट क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए. एंड वाइट मसल फाइबर्स देखिए, जैसे हमारी जो आई बोल है, आई बोल जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है सो आई बोल को जैसे हम मूव कराते हैं सो वो क्या करती है, बिल्कुल फास्ट फास्टली मूव करती है ना, फास्टली मूव करती है बट वो क्या करती है, शॉर्ट टाइम के लिए मूव करती है, वो ज़्यादा देर तक मूव नहीं कर सकती. सो उसे हम इसका, सो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, वाइट मसल फाइबर्स का. अंडरस्टैंड? सो थिन और एक क्या डिफरेंस है कि रेड मसल फाइबर्स क्या होते हैं, थिन होते हैं एंड वाइट मसल फाइबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, वाइट मसल फाइबर्स थिक होते हैं. अंडरस्टैंड? टॉनिक फाइबर ये अभी देखेंगे. सो दीज आर थिन फिलामेंट्स, दीज आर थिक फिलामेंट्स. ओके, दे हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे हैव फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया. सो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना यानी कि एटीपी प्रोवाइड करना. जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन में रहना पड़ता है ना, लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन में रहना पड़ता है सो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. सो रेड मसल फाइबर्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एंड वाइट मसल फाइबर्स क्या करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए उनको कॉन्ट्रैक्शन में रहना पड़ता है सो इनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यू होते हैं. ओके, उसके बाद है एटीपी प्रोडक्शन इज़ हाई. रेड मसल फाइबर्स के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन हाई होती है सो एंड इनके अंदर क्या होती है, एटीपी की प्रोडक्शन क्या होती है, लेस होती है. इट मींस एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी बनते किससे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से. माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी का सोर्स होता है सो इनके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं सो एटीपी प्रोडक्शन भी ज़्यादा. इनके अंदर फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया है तो इनके अंदर एटीपी प्रोडक्शन कम. अंडरस्टैंड? उसके बाद है मायोग्लोबिन. ये मैंने आपको बता दिया है कि पिगमेंट इन हाई कंसनट्रेशन. इनके अंदर मायोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो हाई कंसनट्रेशन के अंदर होता है जो इनका रेड कलर प्रोवाइड करता है एंड इनके अंदर जो मायोग्लोबिन होता है वो नेग्लिजिबल होता है जो इनको कलर प्रोवाइड नहीं करता. उसके बाद है मोर पिगमेंट मीन्स हाई ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, डेट इज़ मोर ऑक्सी हीमोग्लोबिन. यानी कि अब देखिए जैसे बॉडी के अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एंड हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ना ऑक्सीजन के साथ. सो उसी तरीके से मायोग्लोबिन पिगमेंट इनके अंदर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा. ज़्यादा मायोग्लोबिन है तो ये ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा ना. सो ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो इनके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी यानी कि इनके अंदर ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं होगी. अंडरस्टैंड? सो मोर ऑक्सीजन होगी. अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो क्या होगा, जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो कैसे होगा, एरोबिकली होगा क्योंकि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए
एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इनके अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा है सो ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो एरोबिकली होगा यानी ऑक्सीजन का यूज़ करके। और इनके अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन लो होगा क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन कम है, सो ऑक्सीजन कम बाइंड करेगा, ऑक्सीजन कम बाइंड करेगा सो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, सो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो कैसे होगा, एन एरोबिकली होगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए, लेस ग्लाइकोजन स्टोर्ड बिकॉज ऑक्सीजन सफिशिएंट टू ब्रेक ग्लूकोज। ग्लाइकोजन स्टोर कब होता है, जब जो ग्लूकोज है पूरे के पूरे ग्लूकोज ब्रेकडाउन ना होना, जब पूरा ग्लूकोज ब्रेकडाउन ना हो सो जो ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बट रेड मसल फाइबर्स के अंदर तो क्या है, उस ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए सफिशियंट ऑक्सीजन है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, सो जो ग्लूकोज है वो उसको स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सो लेस ग्लाइकोजन स्टोर होता है क्योंकि ऑक्सीजन सफिशियंट है ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। एंड इसके अंदर ज़्यादा ग्लाइकोजन स्टोर होता है क्योंकि जो पूरा जो ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन नहीं कर पाता क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पुअरली डेवलप्ड। अब इसको अच्छे से समझिए कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, कैल्शियम आयंस प्रोवाइड करता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ वेल डेवलप्ड। अब देखिए, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो कैल्शियम आयंस प्रोवाइड करता है। जब भी एक बार कॉन्ट्रैक्शन होती है सो एक बार कैल्शियम आयंस उसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। अब हमें पता है कि जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्लो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, स्लो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं यानी कि वो कम बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कम बार उनको कैल्शियम आयंस की ज़रूरत है, सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुअरली डेवलप्ड है क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ज़्यादा कैल्शियम आयंस प्रोवाइड नहीं करने पड़ते क्योंकि वो बहुत ही स्लो कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके, एंड सार्कोप्लाज्मिक वेल डेवलप्ड होता है वाइट मसल फाइबर्स में क्योंकि जो वाइट मसल फाइबर है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो उनको जल्दी जल्दी ज़्यादा कैल्शियम आयंस चाहिए ना बार बार कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड। उसके बाद है, इट शोज़ स्लो कॉन्ट्रैक्शन बट सस्टेन्ड, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शन तो स्लो करता है बट सस्टेन्ड करता है यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए। एंड इट शोज़ क्विक एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन तो फास्ट होती है बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, अंडरस्टैंड। Now we discuss about examples. Now examples of red muscle fibers. So उसमें क्या होता है कि extensive muscles of back, हमारी जो back की जो muscles होती हैं वो क्या करती हैं, contract करती हैं slowly slowly but long period of time के लिए करती है जब आप sitting position या standing position पे होते हैं। उसके बाद है flight muscles of gliding birds, जो birds होती हैं उनकी जो flight muscles होती हैं वो contract and relax करती हैं long time के लिए, यानी जो birds होती हैं वो long time के लिए fly कर सकते हैं क्योंकि उनके जो flight muscles हैं कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, अंडरस्टैंड। उसके बाद है रेड मसल फाइबर्स, इट डू नॉट अंडरगो फैटिग ईजली। अब हमें पता है कि जो रेड मसल फाइबर्स हैं उनको क्या होता है कि फैटिक ईजली नहीं होता। फैटिक क्यों नहीं ईजली होता, क्योंकि उनके अंदर जो मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, पिगमेंट ज़्यादा, सो क्या होती है ऑक्सीजन ज़्यादा, सो जो रेस्पिरेशन है वो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एंड जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सो उस केस में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती ना, सो फैटिगनेस आती किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड जब बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है सो उसकी वजह से ही फैटिग आता है। सो रेड मसल फाइबर फैटिग नहीं करते क्योंकि उनके अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बनता। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ वाइट मसल फाइबर्स, आई बॉल की जो मसल्स होती हैं वो क्या करती है, फास्टली मूव करती हैं बट कांट बी डन फॉर लॉन्ग पीरियड, लेकिन वो फास्ट मूवमेंट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाती, वो क्या कर जाती हैं, जल्दी फैटिग कर जाती हैं। उसके बाद फ्लाइट मसल्स ऑफ स्पैरो, जो स्मॉल बर्ड्स होती हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए उड़ नहीं पाती क्योंकि उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होती, अंडरस्टैंड। उसके बाद है थाई मसल्स ऑफ फ्रॉग्स, दे वर्क वेरी फास्ट फॉर लीप और जंप बट फॉर वंस और ट्वाइस, ये क्या करते हैं, बहुत फास्ट जंप करते हैं, बहुत लंबी जंप लेते हैं, लेकिन ये एक या दो बार ही वो जंप ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि जो मसल्स है वो फैटिक कर जाते हैं। उसके बाद है वाइट मसल फाइबर्स डज नॉट इट अंडरगोज फैटिक ईजली, वो ईजली फैटिक कर जाती हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन कम प्रेजेंट होता है यानी कि पिगमेंट कम, सो ऑक्सीजन की अमाउंट कम, एंड जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है सो रेस्पिरेशन कौन सा होता है, एनरोबिक, एंड एनरोबिक के केस में क्या होता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, एंड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है, मसल फैटिक करती है। ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू।